हाँ जी चलें फिर। हाय गाइस, तो आज का व्लॉग होने वाला है करतारपुर स्ट्रीट फूड। अगर हमें क्यों होने वाला है मैं भी बताऊँगा। अचानक ख्याल आ गया कि नहीं बनाना है, सुबह प्लान बना, नाश्ता भी उधर करना है, और बस आज पूरा जो हम एक एक बंदे से जाकर सवाल करेंगे क्या समझते हैं इस तरह के जो कुछ सुंदर सेव करेंगे। तो मस्त वॉच, तो नाश्ता हम लगी थी बहुत जल्दी, बहुत मैंने मंगवा लिया भाई, काला पान की गाड़ी सात रुपये वाले जो सात मंगवा मतलब कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं नाश्ते के बाद आप। वैसे तो यहाँ तीन चार काला खाने आ रही हैं, लेकिन हमने इस वाली का इंतखाब किया, सिकंदर काला खाने आ रही है। हमारे पास न्यारी होती है और नली न्यारी है, मगज न्यारी है, और उसके बाद बीफ न्यारी है हमारे पास जो है। और हमारी हमने जो है एक और सेटअप लगाया हलवा पूड़ी का भी, हलवा पूड़ी भी हमारा अपना सेटअप है जो है। ये काले खान की फकरिया पेशकश है जो है, सिकंदर काला खान की फकरिया पेशकश जो है। अच्छा, तो ये जो आपका इतना अच्छा टेस्ट है बीफ न्यारी का, इसके पीछे मतलब ये सर जी, इसमें हमारी मेहनत है जो है, अल्लाह पाक ने इसमें हमारी जो है बरकत डाली हुई है हमारे जो है। इस वजह से जो है ये कम से कम इसको इसकी तैयारी में कम से कम 12 से 14 घंटे लगते हैं जो है। इस वजह से इसका जो है टेस्ट लगता है जो इसी वजह से आपके इसमें और बरकत डाले। हाँ जी, इंशाल्लाह आप भाइयों की दुआ से जो है अल्लाह ताला हमारे घर में आपने खाई, आपने कैसा टेस्ट किया जी? बहुत अच्छा टेस्ट है जी, हमने बीफ न्यारी खाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छा अल्लाह ताला के जो हमारी रोज़ की रोज़ ये हमारी रोज़ की रोज़ ताज़ी बनती है जो इस वजह से हमारा जो जायका है तभी आओगे इसमें बरकत। हाँ जी जी गाइस, जैसे कि आप सब ने देखा कि जो काला खान न्यारी थी उस पर हमारा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और सबसे पहले एक सेकेंड कैमरे में मुझे नज़र आ रहा है मेरा मास्क नीचे, सॉरी। SOPs आप ज़रूर फॉलो करें क्योंकि आजकल कोविड जी फिर रेज हो गया। तो बाकी की बात हम आगे करते हैं कि काला खान न्यारी हमें तो बहुत पसंद आई, उनकी जितनी भी चीज़ें थी चने और पूड़ियाँ वगैरह बहुत अच्छी थी। और जहाँ से अब ये फूड स्ट्रीट स्टार्ट होती है, हम आए हुए हैं यहाँ पर लाहौर 0 किलोमीटर के नाम से। तो आइए ज़रा नाम से आइए ज़रा इनके सिनेमैटिक्स देखते हैं और इनसे कुछ सवाल करते हैं। हमारे पास होते हैं बड़े पाए, चने न्यारी, छोटे पाए, अंडा चने, कोफ्ता चने, मुर्ग चने। तो ये दुकान कितनी पुरानी है जी? ये दुकान कितनी पुरानी है? दुकान ये दुकान कितनी पुरानी है? 11 साल हो गए। तो अब हम आ गए हैं अपनी अगली जगह पे जिसका नाम है सूफी नान सेंटर। उनकी स्पेशलिटी खोए वाले चने, इसके अलावा इनके पास बाकी भी चीज़ें हैं। तो आइए इनसे चल के सवाल करते हैं, लेकिन पहले आप सिनेमैटिक्स देख लीजिए।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खालिद महमूद भट्ट। सर आपके पास क्या क्या होता है? हमारे पास स्पेशल खोए वाले चने हैं, अंडा चने, कोफ्ता चने, मटन के कोफ्ते होते हैं, चिकन चने, मटन बोटी चने, और निहारी होती है, बकरे के पाए हैं और बड़े बोंग पाए हैं, नली निहारी, मगज़ निहारी, काफ़ी वैरायटी होती है, मलाई वाली लस्सी होती है, मलाई वाला रायता होता है। ये हमारी तीसरी नस्ल चल रही है। तो अभी हम आए हुए हैं हाफिज स्पेशल खोए वाले चने, इनकी ये शॉप का जो हमने बोर्ड देखा है वो नाम है। तो आइए इनसे भी कुछ सवाल करते हैं। इनकी स्पेशलिटी असल में खोए वाले चने, लेकिन इनके पास बाकी भी चीज़ें, तो आइए इनसे सवाल जवाब शुरू करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर अपना नाम और शॉप का नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है और शॉप का नाम है हाफिज चने वाले। तो आपके पास कौन सी चीज़, क्या मतलब चीज़ें होती हैं? हमारे पास ये खोए वाले चने हैं, ये लाहौर की आइटम है, लाहौर मिलते हैं, अब पाकिस्तान में पिंडी में भी आ गए हैं खोए वाले चने। स्पेशल दूध दही से तैयार करते हैं और इसके साथ जो है कोफ्ते होते हैं और उसमें चिकन है, मटन है, और इसके अलावा निहारी होती है, पाए होते हैं, नान है, रोगनी नान है, ये सारी चीज़ें, लस्सी है जो किसी ने खाना हो। तो आपकी जो मतलब इधर सबसे ख़ास चीज़ कौन सी है? हमारी ख़ास चीज़ तो ये खोए वाले चने ही हैं। तो ये दुकान कितनी पुरानी है? ये तकरीबन दुकान हो गए 12-13 साल हो गए होंगे। 12 जी। और इधर माशाल्लाह रौनक भी बहुत लगी हुई है, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले। जी। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, होप सो आपको ये पसंद आया होगा। और गलती कर रहे हो, व्लॉग नहीं फूड व्लॉग था पहला, सॉरी। ये हमारा पहला फूड व्लॉग था जो हमने बनाया है, करतारपुरा फूड स्ट्रीट मॉर्निंग फूड स्ट्रीट, भाई माफ़ कर दो। और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल हमारे दोनों एक्स्ट्रा गेमिंग और एक्स्ट्रा व्लॉगिंग को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मज़ा आया? कैसा लगा फूड व्लॉग कमेंट्स में बताएं। अल्लाह हाफिज़।